जमशेदपुर में इन दिनों जिला प्रशासन और टाटा का बुलडोजर खूब चल रहा है, जहां टाटा की जमीन पर अवैध अतिक्रमण। वहीं टाटा का बुलडोजर जिला प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण हटाने में जुटा हुआ है। वहीं बुधवार को कदमा क्षेत्र के मरीन ड्राइव मुख्य सड़क के किनारे से अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान जुस्को और जिला प्रशासन की मौजूदगी में दर्जनों अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया। इस दौरान भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। बता दें कि विगत एक हफ्ते के भीतर बिरसा नगर, गोविंदपुर, जुगसिलाई और कदमा क्षेत्र से टाटा की जमीन पर जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण हटाया है। यहाँ पर पहले भी नोटिफाइड एरिया कमेटी के द्वारा नोटिस दिया गया था और प्लिंथ जब काम हो रहा था फाउंडेशन वगैरह तभी दो तीन बार काम रुकवाया गया था, मगर कहीं ना कहीं ये उस प्रकार के लोग हैं जो कि अपनी साख बनाने के लिए प्रशासन को चुनौती देते हैं और बीपीएल वाद होने के उपरांत सीओ कोर्ट में इसका फैसला लोग कुछ कागजात जब्त नहीं कर पाए तो आज अतिक्रमण वाद चला करके अतिक्रमण तो हटाया जा रहा है। और ये काफ़ी बड़ा 50x40 का एक कमर्शियल प्लेस बनाया जा रहा था जिसको तो आज तोड़ा जा रहा है। सीओ साहब के अध्यक्षता में चार और बड़ी दंडाधिकारी यहाँ पर हैं मौजूद और भारी मात्रा में पुलिस और टाटा स्टील के जो सुरक्षाकर्मी हैं वो सब मौजूद हैं। 3 JCB के माध्यम से तोड़ किया जा रहा है। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट।